में कुछ करना होता है, जब आपका संघर्ष का जीवन होता है, तब आपको ही यहाँ पे लड़ना होता है। कोई आपकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं होता है। आपको ये पता नहीं कि भाई सुबह उठ के करना क्या है। स्टूडेंट क्या होता है, सपने में रहता है ये कर लूंगा वो कर लूंगा, उस दिन बस समय खराब हो गया, मतलब उधर चला गया, वहाँ पार्टी कर ली, वहाँ ये कर लिया, और आपके दिमाग में कहने के एक अलार्म बजना चाहिए। तो आज इन्हीं सभी के बारे में बात करूंगा कि कैसे इसको आप ओवर कर लेते। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ जो कि है डिस्ट्रैक्शन। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आजकल जो डिस्ट्रैक्शन है ये कहने के स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो आज मैं आपके सामने बताऊँगा कि डिस्ट्रैक्शन किस टाइप के होते हैं और कैसे आप इनसे दूर रहें, दोनों यहाँ पर बात करूँगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन के टाइप्स क्या क्या है। मतलब नॉर्मली जो आजकल के स्टूडेंट लाइफ में देखा जाता है, सबसे है स्मार्टफोन। हमें बार बार एक आदत सी पड़ गई है ना, ये कभी कभी मैं भी इसका शिकार हो जाता हूँ, पर फिर अचानक अलार्म बजता है कि यार कहाँ समय खराब कर रहा है ना। बार बार हमें व्हाट्सअप देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, मोबाइल खोलना है, मतलब हर 2-3 सेकंड के बाद आप वापस मोबाइल की तरफ आपका हाथ जाता है, राइट। तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का अभी स्टूडेंट के लिए बना हुआ है कि जैसे पढ़ने बैठता है अचानक 2-3 मिनट बाद उसको तलब जगती है कि यार मुझे मोबाइल खोल के देखना चाहिए, किसी ने मैसेज तो नहीं कर दिया। अरे भैया मैसेज कर दिया है तो आधे घंटे बाद देख लेना, 1 घंटे बाद देख लेना। तो एक सबसे बड़ी समस्या अभी बनी हुई है, एक लेजीनेस है। सर पढ़ने बैठते हैं नींद आती है, सर पता नहीं जब पढ़ता हूँ तभी नींद आती है। तो ये एक समस्या और बनी हुई है कि लेजीनेस सबसे बड़ी समस्या आजकल के स्टूडेंट लाइफ में, और खास करके अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है तो ज़्यादा ही, फिर आप बिस्तर में बैठ के पढ़ रहे हो तो कहने के नींद आना शुरू हो जाती है, ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्लीप। अब होता क्या है कि भैया कभी कभी आप रात को पढ़ने बैठ गए, अब होता क्या है कि स्टूडेंट सोचता है कि मुझे रात को 1 बजे तक पढ़ना है, 2 बजे तक पढ़ना है, पर वो पढ़ता नहीं, वो दूसरे काम करता रहता है। बस ये है कि उसके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए आज रात को मैंने 1 बजे तक पढ़ाई करी, आज रात को मैंने 3 बजे तक पढ़ाई करी, खाली एक सेटिस्फेक्शन के लिए, पर एक्चुअली उसने पढ़ाई कितनी करी वो खुद जानता है, राइट। और इसके चक्कर में आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेते हो, फिर वो कहीं ना कहीं आपको समस्या देता है। एक है रिलेशनशिप, है ना, ये जो बाबू सोना वाला समस्या है ये स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा होती है। कहीं ना कहीं आपको प्रेम हो गया या अट्रैक्शन की जो समस्या है, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और इसके चक्कर में स्टूडेंट गलत ट्रैक पे चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या स्टूडेंट लाइफ में देखी जाती है। एक होती है अनहेल्दी हैबिट, जो कि आप लाइक वाइन पीना है, सिगरेट पीना है, उल्टे सीधे, लाइक आपका कोई रूटीन नहीं बना हुआ है, आप ना एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस उठ रहे हो, फिर मजे कर रहे हो, दोस्तों के साथ पार्टियाँ कर रहे हो, है ना। तो ये कहने के अनहेल्दी हैबिट जो सबसे बड़ी समस्या बनी, प्लस आप ये जो आजकल बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, वो खाना, वो भी कहने के इसका पार्ट है। इसमें एक लास्ट में अनऑर्गेनाइज शेड्यूल, ये सबसे बड़ी समस्या पैदा करता है कि आपका कोई शेड्यूल ही नहीं है, आपको ये पता नहीं कि भैया किस टाइम पे आपको क्या करना है। जैसे आज मैं आपके सामने लाइक यूट्यूब पे भी हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, तो कहने के ही मेरा एक प्रॉपर शेड्यूल है, मुझे पता है कि मुझे सुबह कितनी बजे उठना है, मेरे क्या क्या काम रहेंगे दिन भर के, पूरा प्लान होता है। तो हमारा समय फालतू चीज़ों में खराब नहीं होता, राइट। कभी लाइक थोड़ा बहुत हो भी जाता है, लाइक हम मोबाइल देख लिया या कभी कोई मूवी देख ली, तो वो भी एक तरह से एंटरटेनमेंट की, चलो अपने आप को थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए करते हैं, पर वो कोई एडिक्शन नहीं है, राइट। पर लाइक स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपका कोई शेड्यूल ही नहीं होता है, कि आपको ये पता नहीं कि भाई सुबह उठ के करना क्या है, राइट। सुबह उठ लिया, तैयार हो लिए, कॉलेज चले गए, कॉलेज में क्लास नहीं हुई तो घूम लिए, मजे कर लिए, फिर उसके बाद वापस घर आ गए, या फिर अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल में तो और समस्या है, पता बड़ा आज मूड नहीं कॉलेज जाने का, तो दिन भर सो रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, लाइक कोई शेड्यूल नहीं है। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये भी एक होती है। तो आज इन्हीं सभी के बारे में बात करूंगा कि कैसे इसको आप ओवरकम करें। देखो डिस्ट्रैक्शन तो समस्याएं होती है, जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा, राइट। कहने के थोड़ा थोड़ा हर एक के जीवन में होता है, पर कैसे हम इसको कम करें और अपना जो ड्रीम है, जो आप सोच के आए कि लाइफ में आपको क्या करना है, उसकी तरफ आप अग्रसर हो, इसके बारे में मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप अपनी जो हेल्दी हैबिट्स है उसको स्टार्ट करिए। देखो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मॉर्निंग में आपको कहीं ना कहीं सुबह जल्दी उठना चाहिए। जैसे मैं भी लगभग 6 बजे उठ जाता हूँ, आप 6 बजे नहीं 7 बजे भी उठाएं, थोड़ा सा आधा घंटा कहीं वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा घूम लीजिए, या फिर योगा मेडिटेशन। देखो स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम हर काम करते हैं पर हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, राइट। अगर आपको लगता है कि सर ये योगा मेडिटेशन में हमारा मन नहीं लगता, तो आप यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, पर आपको कहने के एक एक्टिविटी ऐसी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए जो कि सुबह आप कर पाएं, जैसे कि वॉक कर लिया है या खेल लिया है या फिर योगा मेडिटेशन है या कुछ और भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको फिट रखे। तो हेल्दी आपकी यहाँ पे हैबिट होनी चाहिए। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट लाइफ में होती है ना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता है, बोलता है सर मैं बहुत बिजी हूँ,
मेरे पास भी जब बच्चा तैयारी करने आता है आईआईटी जेएमसीएसआई या नेट गेट या यूटीपीजी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर मैं कॉलेज पढ़ने जाता हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी सफलता प्राप्त करी है सेट एग्जाम के अंदर, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, मतलब गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ उन्होंने तैयारी करी, साथ में उनकी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, और वो एग्जाम क्रैक कर गए, है ना। मतलब जहाँ पे आपकी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, आपके पास जॉब है, वहाँ पे कहने कहीं बंदा ज्यादा ऑक्यूपाई रहता है। स्टूडेंट टाइम में तो आपके पास कुछ काम ही नहीं है भैया, खाली आपको कॉलेज जाना है, पढ़ाई करना है, आप कैसे टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करें। तो ऐसा नहीं कि भैया सर आपका वीडियो देख लिया मैं मोटिवेट हो गया तो सर कल तो मैं लगभग 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है? आप जो भी करना चाह रहे हैं उसके लिए थोड़ा धीरे 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 ग्रेजुअली आप उसकी प्रैक्टिस करिए, है ना। एक दिन कोशिश करेगी सर 1 घंटा पढ़ाई करूंगा मैं और आधे घंटे में एक्सरसाइज करूंगा, धीरे धीरे फिर इसको थोड़ा सा इंक्रीज करिए, है ना। कहने कहीं आपका जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करेगा, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट आप प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे अपनी लाइफ के अंदर जो अच्छी अच्छी हैबिट है उसके लिए टाइम कहने कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करिए। और एक और चीज सबसे बड़ी है कि जब भी आप दोस्तों के साथ घूमें, कहीं इधर उधर जाएं, तो अपने दिमाग में बैकअप द माइंड रखिए कि यार कहीं मेरा समय खराब तो नहीं हो रहा यार, है ना। देखो अल्टीमेटली जब हम रात को सोते हैं तो हमें लगता है कि यार दिन भर समय खराब हो गया, मतलब उधर चला गया, वहाँ पार्टी कर ली, वहाँ ये कर लिया, और फिर लास्ट में आपको लगता है कि यार आज का दिन भर कुछ काम नहीं किया, कहीं मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। तो ये कहने की जो विचार मंथन है ये आपके दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए कि यार कहीं मेरा समय तो खराब नहीं हो रहा। अगर आप ये विचार करेंगे तो धीरे धीरे आप यहाँ पे अपना टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर पाएंगे। सेट द रियल गोल्स, है ना, सपनों में मत रहिए, है ना। क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, सपने में रहता है ये कर लूंगा वो कर लूंगा उसके बाद ये हो जाएगा उसके बाद वो हो जाएगा, भैया उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। हम भी बहुत सारे, लाइक मेरे भी 3 यूट्यूब चैनल है, मैं अपना ऐप मैनेज करता हूँ, मेरी टीम है, मेरे एक फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो कहने कहीं मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपने रियलिस्टिक जो गोल्स हैं उनको कहने कहीं सेट करता हूँ और उसको अचीव करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो जो भी आप जीवन में करना चाह रहे हैं इट शुड बी रियलिस्टिक। आप चाहते हैं कि सर मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, तो भैया तैयारी शुरू कर दीजिए, उसके लिए बहाने मत बनाइए। तो जो भी करना है भैया स्टूडेंट लाइफ में ही करना है, उसके बाद समय नहीं है, उसके बाद फिर क्या होगा कि कहने के आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, तो ये समझने की जरूरत है। तो सुन यहाँ पे जो भी आप गोल बना रहे हैं इट शुड बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब ये होता है कि आप उसके लिए समय दे रहे हैं, आप उसके लिए प्रयासरत है। अगर आप कोई ऐसा गोल बना रहे हैं जिसके लिए आप काम ही नहीं कर रहे हैं, बस कर रहा हूं मैं आईआईटी से अपना एमटेक करूंगा और भैया गेट की तैयारी चालू ही नहीं करी, है ना। और नॉर्मली स्टूडेंट्स का देखा जाता है, इवन मैं भी आईआईटी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, सीएसआर को पढ़ाता हूँ, तो भाई तैयारी कर रहे हैं, मैंने फॉर्म भर दिया। मतलब एग्जाम का फॉर्म भरना बच्चा ये समझता है कि मैंने 50% एग्जाम निकाल दिया। अरे भैया बाकी जो 50% है मेहनत करना वो तो तुझे करना है ना, खाली एग्जाम का फॉर्म भरना और एग्जाम देके आना ही मतलब ये नहीं होता है कि आपने उस एग्जाम को क्रैक कर लिया। भाई उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए लगना पड़ेगा, उसके लिए टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। तो वही है रियलिस्टिक गोल यहाँ पे, कि जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए कहने के यहाँ प्रयास करिए, है ना, तभी उस गोल को आप अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है बी अराउंड अ पॉजिटिव पीपल, हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहिए, कचरों के साथ मत रहिए, है ना। कचरा इन द सेंस अरे क्या कर लेगा, जिंदगी तो अभी मिली है, मजे कर ले फिर बाद में पढ़ लेंगे, ना ऐसे बहुत सारे फर्जी फ्रेंड्स आपके साथ होंगे जो आपको हमेशा कहने के अरे ले सिगरेट पीते हैं, अरे ये दारू पीते हैं, चल आप पार्टी करते हैं, चल वो करते हैं, ना। हम भी अपने स्टूडेंट लाइफ में तो हमारे भी ऐसे बहुत सारे आसपास लोग घिरे हुए रहते थे, है ना। तो हम हमेशा कहने कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले फ्रेंड्स होते थे उनके साथ रहते थे, है ना। कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो कहने कहीं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि यार हाँ यार अपन बीटेक कर रहे हैं, अपन को लाइफ में ये करना है वो करना, अपन ये कर सकते हैं अपन वो कर सकते हैं, ना। या कोई ऐसे फ्रेंड है जो कहने कहीं आपको नेगेटिव दे रहे हैं, तो हमेशा कहने कहीं उनसे दूर रहने की कोशिश करिए। सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो जीवन में आप कहने कहीं सकारात्मक सोच पाओगे और उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ पाओगे। इसलिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वही पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों के साथ रहोगे तो अपने आप आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा वो पॉजिटिव बनेगा, राइट। सुन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों के साथ समय मत खराब करिए। एक डिस्ट्रक्शन कहने कहीं फ्रेंडशिप भी सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन होती है ना। जो आपका खुद का जो ड्रीम है, जो आप करना चाहते हैं, उससे कहने कहीं आप दूर होते जाते हैं ना, क्योंकि आप कहने कहीं उनके साथ उन बातों में इतना उलझ जाते हैं, उनकी बातों में इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि आप जो करना चाहते हैं लाइफ में उससे आप दूर होते जाते हैं। देखो जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, जब आप कहने कहीं जॉब करेंगे, उसके बाद आप और आपकी फैमिली और आपके जो टारगेट्स हैं वो आपके सामने रहेंगे, कोई दोस्त और कोई साथ में नहीं आता, है ना। जब आपको लाइफ में कुछ करना होता है, जब आपका संघर्ष का जीवन होता है, तब आपको ही यहाँ पे लड़ना होता है, कोई आपकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं, ना आपके माता पिता आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, नहीं आपके फ्रेंड्स आपके साथ रहने वाले हैं। आपको खुद को ही इन सभी चीजों को अचीव करना है, है ना। दोस्त बनाइए, दोस्त बनाना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कहने कहीं समय मत खराब करिए, है ना। मित्रता का मतलब ये होता है कि जो आपको कहने कहीं मोटिवेट करे, कहने कहीं सकारात्मक एनवायरमेंट आपको प्रोवाइड करे और एक दूसरे से हम सीखें, है ना। ये एक अच्छे मित्र की
निशानी होती है। तो हमेशा अच्छे फ्रेंड्स बनाइए और समय मत खराब करिए, खास करके फ्रेंडशिप के अंदर इतना ज़्यादा मत इन्वॉल्व हो जाइए। मतलब मैं खुद भी स्टूडेंट लाइफ में रहा हुआ हूँ कि एक दोस्त की लड़ाई होती थी तो दूसरे दोस्त उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, लड़ाई झगड़ा करना, मतलब फालतू समय खराब करने लग जाते हैं ना। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, क्लियर है। नेक्स्ट है, डेवलप योर प्रोडक्टिव हॉबीज। सुन, जो भी आपकी इच्छा है उसको कहने के डेवलप करिए। आपको लगता है कि आपको म्यूजिक सीखना अच्छा लगता है तो म्यूजिक सीखिए, आपको लगता है स्विमिंग आपका है, आपको लगता है कि स्पोर्ट्स है तो क्रिकेट खेलना थोड़ा सा समय दीजिए उसके लिए, है ना। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपकी इंटरेस्ट की चीज़ है ना, उसको थोड़ा धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश करिए। जैसे मेरे को म्यूजिक अच्छा लगता है ना, तबला बजाना है या फिर हारमोनियम बजाना है या फिर मेरे को गाना है, तो ये मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा करता रहता हूँ ना। आप थोड़ा सा कहने के अपना स्ट्रेस भी कम कर रहे हो तो इन सब चीज़ों के साथ साथ। तो जो भी आपकी हॉबीज है, अगर आप वो कहने के करना शुरू करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, तो वो आपका स्ट्रेस कम करेगी और कहने के आपकी जो एकाग्रता, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ाती है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को एकदम बंद कर दीजिए, पर ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं आपका समय खराब कर रही है, ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रही है, तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग में एक अलार्म बना के रखिए। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक अलार्म बजना चाहिए जो कि आप उन सब चीज़ों से दूर करें आपको, है ना। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सब कुछ बंद कर दीजिए, पर हाँ, अगर आप सिगरेट पीना शुरू कर दिए हैं, अगर आप दारू पी रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, या फिर आप उल्टे सीधे कुछ काम में इन्वॉल्व हैं, तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि इन सब चीज़ों से दूर रहिए। ये कहने के जीवन में आपको गर्त में लेके जाएगा, कभी ऊपर नहीं उठाएगा। देखो, भगवान ने एक जीवन दिया है, इस जीवन को आप अच्छा भी बना सकते हो, इस जीवन को आप खराब भी कर सकते हो, ये आपके हाथ में है ना। कोई आपका जीवन नहीं बनाएगा, ना आपका मित्र बनाएगा, ना आपका टीचर बनाएगा, ना आपके माता पिता बनाएंगे। आपके जीवन की जो भी आप हासिल करेंगे या जो भी आप खोएंगे, उसके खुद आप जिम्मेदार हैं, राइट। तो कहने के आपको ये समझने की जरूरत है, और अपनी जो आसपास के लोग हैं उसको थोड़ा सा चेंज करिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। एक और है, लेजीनेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की होती है कि सर पढ़ते हैं तब नींद आती है। कहने के आप चीज़ों में जब इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, मान लीजिए आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, या फिर आप बीएससी कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो कहने के आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। आपको लगता है कि सर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता है, टीचर्स नहीं पढ़ाते। आप यूट्यूब पर आके पढ़िए ना, बहुत सारे लोगों ने फ्री कॉन्टेंट अपलोड कर रखा। आप बोलोगे सर नहीं, हमारे को तो कॉलेज में मैथ समझ में नहीं आती। अरे भैया, जब तुम एग्जाम से पहले हमारे यूट्यूब पे आके पढ़ते हो तब तो समझ में आती ना, तो क्यों ना इसको साल भर पढ़ा जाए, क्यों एग्जाम टाइम पे पढ़ना है ना। तो कहने के ये जो भी आप बहाने ढूंढ रहे हैं, इन बहानों को आप देखिए कि कहाँ आप गलत हैं। देखो, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना भी जरूरी है कि आप कहाँ सही और कहाँ गलत है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको पता पड़ जाएगा और आप इन सब चीज़ों से ओवरकम कर जाएंगे। तो यार, ये सब बातें मुझे आप से करनी थी। आपको ऐसी कौन सी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट करती है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर कमेंट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाकी हमारी जो बुक्स है मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल, अगर आपको सीएसआईनेट आईडी जेम या गेट एग्जाम की तैयारी करते आप उनको बाय कर सकते हैं। हमारा मैथ्स कैर ऐप है जहाँ पे हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप इनको बाय करना चाहते हो कर सकते हैं। सुनिए टेलीग्राम में, यहाँ पे बहुत सारे फ्री क्लासेस लेते रहते हैं, इनके लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे वीडियोज हैं संडे मोटिवेशन पे, उनको आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।